हाथ एकदम ठंडे हो चुके हैं और शायद से बर्फीला रास्ता हम लोगों को क्रॉस करना होगा। 8,622 फीट की ऊंचाई पे बैठ के एकदम। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। फिर जैसा कि एक वीडियो एंड किया दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ब्लॉग इसलिए एंड कर दे क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता है। ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, अब हम लोग जा रहे थे तो वो बोट वाले भैया ने हमको बताया था कुछ पॉइंट्स, पहले अब हम लोग वो कवर करेंगे जाके। तो उसी के लिए रूम पे आए थे कि मोबाइल वगैरह चार्ज करना था हम लोगों को। सारा कुछ हो गया है कम्प्लीट, तो अब यहाँ से निकलते हैं व्यू पॉइंट देखने के लिए। स्नो पॉइंट, कई सारे पॉइंट है वहाँ पे, बर्फीला पॉइंट भी भैया ने बताया, तो उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ बर्फ देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हिमालय व्यू पॉइंट पे, यहाँ से हिमालय के दर्शन हो सकते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और अभी इसके आगे और ऊपर जाना है, वहाँ शायद से भैया ने बताया था कि बर्फ मिलेगी, तो आगे भी चलते हैं। पहले ये सामने का व्यू आप लोगों को दिखाते हैं, ध्यान से ठीक सामने ये हिमालय व्यू, और यहाँ पे ये इंग्लिश में इसमें नाम नहीं याद आ रहा, हिंदी में बोले तो तगड़ी वाली दूरबीन रखी हुई है। यहाँ से ये लोग पैसे लेके हिमालय व्यू के दर्शन कराते हैं, तो फिर चलते हैं। तो अभी देख चुके हैं पेट्रोल बुलेट को बैटरी बुलेट बना दिया गया है, गाड़ी बंद है, गाड़ी ऑफ है, गाड़ी बंद कर दी, क्योंकि हम लोग नैनीताल के जस्ट सामने वाले पहाड़ जो थे बड़े वाले एकदम उसके बैक साइड बिल्कुल आ चुके हैं, अब नीचे उतर रहे हैं। पंगोट, जो लोग जानते होंगे पंगोट यहाँ से 3 किलोमीटर भी है, वो देखे काले मुंह वाले सारे बंदर, तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जा रहे हैं, देखिए कहाँ तक गाड़ी जा पाती है, स्टार्ट किए। चली जा स्टार्ट तो नहीं करेंगे, धक्का लगाना पड़ेगा, स्टार्ट भी नहीं होनी चाहिए। अरे अरे, एकदम रेस बढ़ जाती है। हम लोगों को खुद ही नहीं पता है कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग इधर पहुंच गए थे पंगोट, पंगोट गांव पहले कस्बा पहले, वहाँ पे क्या होता है कि बर्ड सेंचुरी है, 300 से ज्यादा बर्ड प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जिन लोगों को पक्षियों से प्यार होता है वो लोग यहाँ आते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना, तो वो लोग ज्यादातर यहाँ लोग आते हैं। तो अभी मैंने वहाँ से वहाँ भैया से पूछा, हाँ, और हम लोग गलत चले आए, हम लोग रास्ते में पड़ा था फॉरेस्ट बैरियर पड़ा था, वहाँ से हम लोगों को कटना था, लोग आगे से अब क्या ही जाने। और जो नैनीताल वाला सामने पहाड़ था उसके बैक साइड एकदम है, तो अब चलते हैं वापस। रास्ते से इसी रास्ते से हम लोग पंगोट गए थे, पर ये थोड़ी थोड़ी बर्फ छोड़ते भाई, बहुत ठंडा अंदर लगा, ये थोड़ी थोड़ी
बर्फ छोड़ते हुए गए थे, ठीक, अब वापस आते समय उसी बर्फ के साथ खेला जा रहा है। भाई प्लीज ना मारो यार भाई, अरे अंदर पहुंचो। कोई बात नहीं, थोड़ी बर्फ मिली सही, दिल को सुकून सा मिला। अब हम भी थोड़ा मार लेते हैं। ये मारना नहीं भाई। नहीं। रुको। अरे देखो ना अच्छा लगते, देखो ना भाई अंदर लग रहा। और बता दे, ये वो वाली बर्फ नहीं, इसे बोलते हैं ब्लैक आइस, जैसे कि देख सकते हो। और ये चीनी की तरह है, देख सकते हो। अरे देखो एकदम हाथ एकदम ठंडे हो चुके हैं। चलो अब चलते हैं यहाँ से। सो गाइज, हम लोगों ने जहाँ के लिए डिसाइड किया था कि नैना पीक ही चलेंगे, बट भैया ने बताया कि आगे जाना, उनको भी शायद पहले आए होंगे तो उनको बर्फ दिखी होगी, बर्फ बहुत कम है। तो ये एक फॉरेस्ट बैरियर पड़ता है यहीं के पास, ये नैना पीक के लिए रास्ता है, जो कि ये ट्रैक है 3 किलोमीटर का, और इसके आगे किलवरी पैदल जो कि ट्रैक है 9 किलोमीटर का। हम लोग जाएंगे नैना शिखर पीक 3 किलोमीटर का ट्रैक करके। और अभी हमने कुछ खाने पीने का सामान कोई शॉप से ले लिया है, तो जल्दी चलते हैं, वापस भी आना है। ये आप लोग चढ़ाई देखिए, एकदम खड़ी चढ़ाई। फिर भी हमने लोगों के ब्लॉग देखे हैं, यहाँ पे उतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है आगे चल के। कहाँ के लिए निकल चुके हैं? अच्छा, अभी लगभग से हम लोगों ने आधा किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर लिया है, और आधा किलोमीटर में ही फूल गया। देख सकते हैं एकदम खड़ी चढ़ाई है, इधर से भी देखिए, और सब पत्थर रपटने वाले पड़े सर। ये ब्लॉक शायद से एडवेंचरस ब्लॉक कह सकते हैं। मजा आया, लेकिन मतलब मजा आ रहा है, आएगा तो आगे। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, जो कि आप लोगों को यहाँ आके ही पता चलेगा, तो जरूर आइएगा। हालांकि हम तो आपको ऊपर से यहाँ का व्यू दिखा देंगे, पर जो मैं उसे व्यू देख के फील करूँगा ना, इतनी मेहनत लगा के चढ़ रहा हूँ, उस व्यू को देखने के बाद ये सारी मेहनत वर्थ है। चलिए अपना आगे का रास्ता कंटिन्यू करते हैं, शाम तक वापस भी आना है। सो गाइज, हम लोग लगातार चढ़ते जा रहे हैं, और सामने से कुछ भैया लोग उतरते आ रहे हैं, उनसे ही पूछेंगे। और एकदम देख लीजिए खड़ी चढ़ाई है भैया, ये सही रास्ता है ना नैना पीक के लिए? भैया हेलो गाइस, हाउ आर यू? बस कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन। ओके ओके भैया, ओह माय गॉड, जल्दी चल, 1.5 किलोमीटर। चलो कंफर्म हो गया ये तो कि हम लोग सही रास्ते पे हैं, बट सामने ब्लैक आइस, सही से चलना होगा। एकदम दबा के पैर रखने होते हैं इस पे, क्योंकि ये ब्लैक आइस, इसमें फिसलन काफी ज्यादा होती है। ग्रेट सक्सेस, चेहरे पे देख सकते हैं एकदम पसीना पसीना, पीछे बर्फ ही बर्फ। ये देखिए गाइस, काफी सारी बर्फ। फोटोग्राफी सामने कुछ लोग कर रहे हैं। अब शायद से बर्फीला रास्ता हम लोगों को क्रॉस करना होगा। तो चलिए रेस्ट ले लेके चढ़ते हैं। साथ में यूरिया लेते हुए
अरे देख के पॉइंट पे पहुंचे हैं जहां से नैना पीक सिर्फ 200 मीटर बचता है और यहां का चारों तरफ का एरिया इसलिए नहीं दिखा सकते, हाईली कॉन्फिडेंशियल है यहां पे, ठीक है, लोगों की कुछ बातचीत होती रहती है हाँ। तो मतलब उधर का रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने मना कर दिया फॉर सिक्योरिटी रीजंस हाँ। और हम आप लोगों को ये बता दें कि हम लोग इस समय 8622 फीट ऊंचाई पे नैना पीक 8622 फीट ऊंचाई पे बैठे हुए हैं समुद्र तल से 8622 फीट ऊंचाई। तो अभी यहाँ हमने मैगी ऑर्डर कर दी है 2 प्लेट, तो अभी हम लोगों ने मैगी ऑर्डर की थी और ये देखिए खा भी रहे हैं 8622 फीट की ऊंचाई पे बैठ के एकदम गर्मा गर्म टमाटर प्याज वाली मैगी खा रहे हैं टेस्ट एकदम अलग ही है और इंजॉय लेते हुए खा रहे हैं। फिर खा लेते हैं, फिर चलते हैं नैना पीक, यहाँ से सिर्फ 200 मीटर है, 200 मीटर है। फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं नैना पीक, तो जल्दी से चलते हैं फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। चलो अभी सामने फाइनली दिखने वाली है जन्नत। आए हुए थे और बैठे हुए थे लगभग 15-20 मिनट हो गए हम लोगों को बैठे हुए, आधे घंटे हो गए बैठे हुए, ठीक, बस इसी व्यू का आनंद ले रहे थे। इतनी चढ़ाई करके मेहनत करके हम लोगों के लिए ना यहाँ पे वर्थ था, तो कह सकते हैं मज़ा आ गया। और देख सकते हैं पूरा नैनीताल यहाँ से दिख रहा है हम लोगों को, और जो आप लोग कैमरे में इतना जस्टिस नहीं कर सकते हैं, जब यहाँ आके तो आँखों से सुंदरता देखने को मिल रही है, आप लोगों को यहाँ आना ही पड़ेगा आँखों से देखने के लिए। तो बस थोड़ा बहुत और बैठते हैं फिर निकलते हैं हम लोग नीचे की ओर। और यहाँ से जो झील का आकार है वो बिल्कुल आम की तरह दिख रहा है, और झील में नाव वगैरह हैं तो यहाँ से बिल्कुल वो चींटियों के समान दिख रहे हैं, सब देख सकते हैं। अभी दोबारा से आएंगे, साथ में अगर ड्रोन हुआ तो आप लोगों को ड्रोन व्यू जरूर दिखाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलते हैं हम लोग नीचे। चलिए तो अभी चलते हैं अभी यहाँ से, हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ समय बिताया और अभी जाते समय देखते हैं ना थकान महसूस होती है कि नहीं। आते समय तो काफ़ी दिक्कत हुई थी, यहाँ से और जहाँ मैगी पॉइंट है वहाँ से 200 मीटर का डिस्टेंस है, वहाँ तक ये एकदम बराबर से रास्ता है। तो चलते हैं अब धीरे धीरे, शायद से नीचे जाते हुए ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आते हुए जब हम लोगों को 1 घंटा 15 मिनट लगभग लगे, एकदम पहाड़ के टॉप पे है ना, तो एकदम खड़ी चढ़ाई थी ऐसे। कहते हैं कि यहाँ शाम को तेंदुआ वगैरह ये सब आ जाते हैं, तो इसीलिए 4 से 5 बजे के बाद आने की एंट्री नहीं होती है। शायद से नैना पीक का ओल्ड नाम बताऊं आप लोगों को, चीना पीक है। यहाँ पे देखिए शेड के नीचे कितनी बर्फ पड़ी हुई है। चढ़ने के लिए हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि एकदम सीधी चढ़ाई थी, अब उतर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कोई पीछे से धक्का दे रहा है। क्यों ना एकदम हाँ, उतरने में लगभग 30 या 35 मिनट लगेंगे, उतरने के लिए भी
संभल के उतरना पड़ता है, नहीं तो सावधानी घटी दुर्घटना घटी। तो गाइस फाइनली अभी नीचे उतर चुके हैं और चढ़ने और उतरने का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो चढ़ने में एकदम सीधी चढ़ाई है, उसके लिए थोड़ी सांस फूलने और उसमें दिक्कत हो सकती है। और उतरने में देखा था सब बर्फीला एरिया था तो उसमें मैं फिसल गया था और ये हाथ मेरा थोड़ा ज़्यादा मुड़ गया था, इसीलिए अब तो नहीं पेन हो रहा हाथ में, वैसे तुरंत बहुत पेन हो रहा था। सो गाइज अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं रात का व्यू, रात में नैनीताल बेहद ही और खूबसूरत लगता है। कैमरे में आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होगा, गाइज कल शाम को ट्रैकिंग करके आए, थक गए थे ज्यादा तो खाना खाने फिर शाम को गए, फिर आए सो गए, इसीलिए ब्लॉग को कल एंड भी नहीं किया था। इस ब्लॉग को एंड करते हैं और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया पुराने हो गए नहीं किया, हाँ हम लोगों ने देखा ज्यादातर जैसे वीडियो अगर 100 व्यू जा रहे हैं 60 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं, हाँ नहीं किया है, लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज कर ले यार भाई, जो भी भाई बहने कर लो प्लीज। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में।